कश्मीरी अभिनेत्री ज़ायरा वसीम ने छोड़ी एक्टिंग, फेसबुक पोस्ट के जरिए किया ऐलान। ज़ायरा वसीम ने एक्टिंग को बताया धर्म के रास्ते में रोड़ा। ज़ायरा वसीम के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, उम्मीद करता हूँ ज़ायरा वसीम जो भी करे उन्हें खुशी मिले, फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं। 4 महीने बाद पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा 2019 का चुनाव इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था, जनता ने हमारा साथ दिया इसके लिए धन्यवाद। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की अब भी कम नहीं हुई अकड़, जेल से रिहाई के बाद कहा मुझे मेरे किए पर कोई अफसोस नहीं। मेरठ से हिंदुओं के पलायन पर बोले योगी आदित्यनाथ, अब हमारी सत्ता ऐसा नहीं होगा, हम लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाएंगे। दिल्ली की आप सरकार के राह पर झारखंड की बीजेपी सरकार, केजरीवाल सरकार की तर्ज पर झारखंड की बीजेपी सरकार खोले की मोहल्ला क्लिनिक। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी INLD नेता अजय चौटाला की परेशानी, तिहाड़ जेल में बंद अजय चौटाला से मोबाइल फोन बरामद। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने छोड़ा अपना सरकारी आवास, दूसरे नेताओं पर भी बढ़ाकर खाली करने का दबाव। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सस्पेंस बरकरार, सोनिया गांधी प्रियंका के बाद मनमोहन सिंह के नाम की चर्चा तेज, कार्यकर्ताओं ने की मनमोहन को कमान लेने की मांग। उत्तर रेलवे ने 300 से ज्यादा ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के समय में किया बदलाव, नई दिल्ली से लुधियाना और नई दिल्ली से मोगा जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को इंटरसिटी एक्सप्रेस में किया गया तब्दील। मुस्लिम महिला ने बताई बच्चे का नाम मोदी रखने की असली वजह, कहा भाई के दबाव में बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा, अब नाम बदलकर आफ्ताब रखूंगी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना सामना, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को काल के काल में पहुंचाया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, आतंकी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में 40,000 जवान तैनात। अमेरिका और ईरान में बढ़ा विवाद, तनाव के बीच US ने कतर में तैनात किए F-22 लड़ाकू विमान, कहा अपने हितों की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। अरब सागर में बढ़ी रॉ की चौकसी, चीन पाकिस्तान की साठ काट पर नजर रखेंगे अधिकारी, देश की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है नीति। उत्तर कोरिया पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सीमा पर ट्रंप ने की किम से मुलाकात, एक साल में तीसरी बार मिले ट्रंप और किम। सचिन तेंदुलकर ने उठाए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फॉर्मेट पर सवाल, कहा IPL जैसा है फॉर्मेट, टॉप 2 में रहने वाली टीम को मिलना चाहिए एक और मौका। युवराज के रिटायरमेंट पार्टी में सितारों का जमावड़ा, अनिता अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका मेहता के साथ पहुंची। ऋतिक रोशन के मीडिया से बचने पर बोले कंगना रनौत, कहा लाइफ में आगे बढ़ो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और आयुष्मान के आर्टिकल 15 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाई खास जगह, फिल्म ने अब तक किया 13 करोड़ 2 लाख का कारोबार।